झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। झारखंड पार्टी ने 20 विधानसभा पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। उम्मीदवारों की दो सूची की घोषणा की गई है। सिमडेगा जिले की दोनों सीटों के लिए झारखंड पार्टी के नेताओं ने नामांकन किया। कोलेबेरा विधानसभा से विभव संदेश एक्का और सिमडेगा विधानसभा से आयरिन एक्का ने नामांकन दाखिल किया। उनके साथ झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का, प्रधान महासचिव अशोक कुमार भगत समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। हम धन्यवाद देना चाहते हैं और पूरा सिमडेगा जिला के सभी मतदाता को धन्यवाद देना चाहते हैं और कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज जिस तरह लोगों का जो रुझान दिखा, हुजूम दिखा, हम लोग कितनों भी हम लोग उसको मना किए कि हर पंचायत से एक ही गाड़ी आना, लोगों का जो रुझान दिखा, हुजूम दिखा, हम लोग कितनों भी हम लोग उसको मना किए कि हर पंचायत से एक ही गाड़ी आना है। क्या लगता है देखिए, कोलेबेरा की जनता जो माता पिता है वो लोग ने मूड बना लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे कोलेबेरा विधानसभा या सिमडेगा जिला की बात करें, किसी भी तरह की विकास नहीं हो रही। आज एजुकेशन की बात कीजिए या चाहे अस्पताल की बात कीजिए, चाहे एग्रीकल्चर की बात कीजिए, सब जीरो है। आज देखिए, अगर सदर अस्पताल को हेडेक बीमारी लेके जाता है तब पर भी उसको सीधे रिम्स रेफर किया जाता है।